नमस्कार एटा गुरुत्वपूर्ण खबर सहित स्टुडिओत मैं नवगोगे और आपनलके साय आछे दि कस करेंट मुख्यमंत्री जदि दुर्नीति करे तेनेहले जाब लागिब जेलले मुख्यमंत्री मंत्री विधायक सरकारी कर्मचारी कोनेउ दुर्नीति करिब नोवारिब और जदि मुख्यमंत्री तथा मंत्री विधायक बा सरकारी कर्मचारी जुनेइ होक जदि दुर्नीति करे तेनेहले जाब लागिब जेलले ए आह्वान बा ए प्रतिश्रुति प्रदान करिसे गुजरात दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले और शेहतिया गुजरात उपस्थित हुई अर्थात निर्वाचनी प्रचार चलाय आसे दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले और गुजरात विधानसभा निर्वाचन मात्र तीन माह बाकी और हे उद्देश्य तत्पर हो पड़े राजनैतिक दल समूह और एनेदरे गुजरातवासीक आश्वास प्रदान करिसे दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले जे जुने जदि जुने हक मुख्यमंत्री हक मंत्री विधायक सरकारी कर्मचारी कोनेउ दुर्नीति करिब नोवारिब और जदि दुर्नीति करे तेनेहले जाब लागिब जेलले एमुतो जनाइछो दिकस केन्द्र दर्शकसकल सबिशेष गुजरात आपर सरकार आखिले दुर्नीतिमुक्त और शंकामुक्त गुजरात गढ़ी तोला हब मुख्यमंत्री हक मंत्री हक दुर्नीति करिले जेलले जाब लागिब गुजरातक दुर्नीतिमुक्त करार गेरांटी दिले दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले और गुजरात आप सरकार आखिले दुर्नीतिमुक्त और शंकामुक्त गुजरात गढ़ी तोला हब आश्वास प्रदान करिसे गुजरात दिल्लीर मुख्यमंत्रीगढ़ और मुख्यमंत्री हक मंत्री हक सरकारी कर्मचारिये हक दुर्नीति करिले जाब लागिब जेलले और गुजरातवासीक दुर्नीतिमुक्त करार गेरांटी दिले दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले एक मुहूर्त एटा डाङर खबर जनाइछो जे जदि कोनो लोके बा मुख्यमंत्री हक बा मंत्री विधायक तथा सरकारी कर्मचारीक जुनेइ हक दुर्नीति करिले जाब लागिब जेलले और कोनो लोके दुर्नीति करिब नोवारिब और सरकारर टका बा सरकारर जी राजह आसे हे समूह राइजर बाबे बा जनतार बाबे हे खरच करा हब एटका घुस नुलुआ कय सरकारी कर्मचारी करि दिब लागिब काम और गुजरातर जनताक ए गेरांटी दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले और जिहेतुके गुजरातत विधानसभा निर्वाचन प्रचार चलि थका अवस्थाते एनेधरणर घोषणा करिसे दिल्लीर मुख्यमंत्री गराकिया और जिहेतुके तीन माह बाकी आसे गुजरातर विधानसभा निर्वाचन और तक लो एतिया तत्पर हो पड़े बीजेपी कांग्रेस किंबा आप और तथा आम आदमी पार्टी और एनेदरे एतिया दिल्लीर मुख्यमंत्री गराकिया गुजरातर गुजरातवासीक आश्वास प्रदान करिसे जे जदि कोनो लोके दुर्नीति करे हेया लागे मुख्यमंत्री हक मंत्री विधायक तथा सरकारी कर्मचारी हक कोनो बासी जाब नोवारिब दुर्नीति करिले जाब लागिब जेलले बुलि उल्लेख करिसे दिल्लीर मुख्यमंत्री गराकिया कि मन्तव्य प्रदान करिसिल एई मुहूर्तत आमी शुनाबले चेष्टा करिछो आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त शासन देंगे गुजरात को। इसमें मोटे मोटे पांच पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। पांच पॉइंट। पहली चीज, हमारा सीएम, हमारा कोई भी मंत्री, हमारा कोई भी एमएलए, हमारा या किसी और पार्टी का भी, हमारा कोई भी एमपी या किसी और पार्टी का या कोई भी ऑफिसर किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। मजाल जो कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सीधा जेल जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे वाला हुआ उसको भी जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमारा हो चाहे उनका हो चाहे किसी पार्टी का हो चाहे किसी पक्ष का हो। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई सीएम, कोई भ्रष्टाचार करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में अभी करके दिखाया, हमारे अपने मंत्री ने कुछ ऊंच नीच की, उसको सीधा जेल भेजा। भारत के 75 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया हो। एक एक पैसा
सरकार का एक एक पैसा जो आप लोग टैक्स देते हो, एक एक पैसा सरकार का जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा, चोरी बंद की जाएगी। ये लोग जो सारा पैसा उठा के स्विस बैंकों में ले जाते हैं, ये लोग जो सरकारी पैसा अपने दोस्तों में बांट देते हैं, अरबपति दोस्तों में बांट देते हैं, ये बंद किया जाएगा। कोई पैसा अब गुजरात का स्विस बैंक में नहीं जाएगा, अब गुजरात सरकार का कोई पैसा अरबपतियों में नहीं बांटा जाएगा। गुजरात का सरकार का एक एक पैसा गुजरात की 6 करोड़ जनता के बीच उनके विकास के लिए खर्च। जब सरकारी दफ्तर में जाता है अपना काम कराने के लिए, उसको बिना पैसे दिए काम नहीं किया जाता। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं, हर व्यक्ति का हर काम बिना रिश्वत दिए सरकार के अंदर किया जाएगा। किसी भी विभाग में कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, उल्टे आपको सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना कोई काम कराना है, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकार से कोई कर्मचारी या सरकार से कोई अफसर आपके घर आएगा, आपका काम करके जाएगा, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं। हमने दिल्ली में भी ऐसी व्यवस्था की है, दिल्ली में अब किसी को सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, पंजाब में अब किसी को अपना सरकारी काम कराने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। दिल्ली में हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज लागू किया है, हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया है 1076, उस पे आप फोन करो, आपको किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी काम कराना है, आप बताओ कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, मुझे बिजली कनेक्शन लेना है, मुझे पानी कनेक्शन लेना है। सरकार से कोई आदमी आपके घर आता है, आपसे टाइम पूछते हैं कितने बजे आपका काम करने के लिए आए, आप जो टाइम बताते हो उतने बजे आपके घर आता है सरकार से कोई आदमी और आपके घर आके आपका काम करके जाता है। आपको कोई जो दिल्ली के अंदर किया वही गुजरात के अंदर भी लागू करेंगे। तीसरी बात, जितने नेताओं के मंत्रियों के बड़े बड़े लोगों के काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर, जितने इन एमएलए के, चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए, जितने काले धंधे चल रहे हैं सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे गुजरात के अंदर। आप लोग देख रहे हो जहरीली शराब बिक रही है, किसकी है? इनके मां बाप तो इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं, इसको बंद किया जाएगा। आप लोग देख रहे हो नशा बिक रहा है खूब जम के, नशा खूब इंपोर्ट हो रहा है, कौन कर रहा है? उनके मां बाप इन्हीं पार्टियों में बैठे हैं, इसको बंद किया जाएगा। जितने काले धंधे हैं इनके मंत्रियों के, इनके अफसरों के, जितने जिनके भी काले धंधे हैं सारे काले धंधे बंद किए जाएंगे। चौथी बात, ये पेपर फूटने का सिलसिला बंद करेंगे। पिछले 10 साल में जितने पेपर फूटे हैं इन्होंने सारे मामले बंद कर दिए, उसको दोबारा खोलेंगे सारे मामलों को। जितने 10 साल में पेपर फूटे हैं उनके जितने मास्टरमाइंड सरकार में और इनमें बैठे हैं पार्टियों में, सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पांचवी बात, मैं जितनी बार गुजरात आता हूं मुझे लोग आके कान में बोलते हैं, सर ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया, ये बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कल भी कोई बता रहा था एक बड़ा घोटाला, कौन सा था? सवनी योजना का कोई घोटाला, रोज बताते हैं ये घोटाला हो गया। जितने बड़े बड़े घोटाले इनके कार्यकाल के अंदर में, सबकी जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल, इनसे पैसा रिकवर करेंगे। ये पैसा किसका था? ये पैसा गुजरात की जनता का था। जितना पैसा इन्होंने लूटा है सारा पैसा रिकवर करेंगे, एक एक पैसा रिकवर किया जाएगा और उस पैसे से आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सड़कें, वो सारा बनाएंगे। आज हम गारंटी देते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार मुक्त,